नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि शनि की पनौती को दूर करने का ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ अतिशय साधारण है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है बड़े ही आराम से। इसके सिवाय भी दोस्तों, मैंने ढेरों उपाय अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं कि शनि को कैसे शांत करना है। जब तक शनि की पनौती आपके ऊपर रहेगी, आप जीवन में चैन से नहीं जी पाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी लाइफ में शनि की पनौती आ गई, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए, राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में चले गए। जब शनिदेव आपको प्रसन्न, शनिदेव आपके ऊपर क्रूर दृष्टि करते हैं, तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुर्जन लोग चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, आपकी निंदा होना शुरू हो जाती है, आपका समाज में मान सम्मान कम होने लग जाता है। दोस्तों, मैं एक सच में एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत ही जाना माना, उसकी अपनी एक प्रेस्टीज थी, नहीं आज भी है, क्योंकि किसी के कोई दुष्कृत्य करने से किसी की प्रेस्टीज कभी कम नहीं हो जाती। जो व्यक्ति जो होता है वही रहता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कैसा अपना रोल अदा करते हैं ये सिर्फ इसका एक उदाहरण है। वो व्यक्ति एक दिन अपनी मर्सिडीज से उतरा, वो हमारे बंगलों के ही पास का एक व्यक्ति था, बहुत ही उसका अच्छा नाम था, हर तरीके से एक सम्माननीय व्यक्ति। वो अपनी मर्सिडीज से नीचे उतरा ही था और एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी, जो व्यक्ति नहीं के बराबर था, मेहनत मजदूरी करना, गुलामों के काम करना, बिल्कुल मतलब जिसकी अपनी कोई औकात नहीं थी, ऐसा व्यक्ति अचानक उठा और जाकर के उसने उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। उसको भी आश्चर्य हुआ, जो आस पड़ोस में उसके जो व्यक्ति खड़े थे उसे भी आश्चर्य हुआ कि इस पागल ने क्या किया। अब अगर वो व्यक्ति जो सच में पावरफुल था, वो चाहता तो इस व्यक्ति को कुचल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं किया और उसने उस चीज को हटा दिया, जैसे इंसान दूध से मक्खी निकालकर फेंक देता है, कि उसके इस कृत्य से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसने अपने संबंध जरूर उससे खत्म कर दिए, क्योंकि वो समझ गया कि इसकी औकात नहीं है कि इससे संबंध रखा जाए, ये मेरे साथ बात करने के लायक नहीं है। तो उसने ये भी सोचा कि इस लायक भी नहीं कि इसको कुचला भी जाए, है ना। तो शनि जब आपके ऊपर ना प्रसन्न होते हैं तो आपको खुद अनुभव होने लग जाते हैं कि नहीं, जैसे लोग भी आपके साथ हाथ चालाकी तक कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, है ना। आप चाहे तो उस व्यक्ति को कभी भी कहीं पर भी आप उसको उल्टा लटका सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज से आपको ऐसा कोई बंधन लग रहा होगा। ये वही बंधन है जो शनि का होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको दुर्जन ही दुर्जन मिलते चले जाएंगे। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, आपको नाकामयाबी ही मिलेगी। जो लोग एक समय आपको सलाम मार रहे होंगे, आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, वो लोग आप जाएंगे और आपकी तरफ में पलट करके भी नहीं देखेंगे कि आप कौन हो, कहां से आए। शनि ऐसे होते हैं। शनि यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो व्यक्ति कहीं का भी दोस्तों नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शनि का जो दुष्प्रभाव है उसे कम करने की कोशिश करें। हर शनिवार दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जला करके रख करके आए संध्या समय। पीपल के पेड़ पर सिंदूर और सरसों के तेल को मिक्स करके उससे 8 स्वस्तिक बनाए, 8 स्वस्तिक बनाए शनिवार के दिन, और उसके नीचे ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र लिखे। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें काले तिल उड़द डाल दें और एक पेड़ पर खड़े होकर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। ओम सम शनिश्चराय नमः कंटिन्यू मंत्र को उतिक लिखे
हर शनिवार आपको इस क्रिया को करना है। शनिवार के दिन दोस्तों काली गाय को उड़द जरूर खिलाएं। काली गाय को उड़द आप देखें खिलाना शुरू कर दें, शनि की पनौती कैसे आपके ऊपर से छू हो जाएगी। शनिवार के दिन काले वाले जो बैंगन आते हैं वो बैंगन आप गाय को खिलाएं, काली गाय को, या फिर काले भैंसे को भी आप खिला सकते हैं। शनि की पनौती आपके ऊपर से चली जाएगी। जिन लोगों पर कर्जा बहुत ज्यादा है वो लोग शनिवार के दिन 8 लड्डू ले लें बूंदी के और अपने ऊपर से 7 बार उबारे और उबार करके काली गाय को खिला दें, उससे कर्जे में भी बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों शुक्रवार की रात आपको क्या करना है, 8 दाने उड़द के या फिर 1 मुट्ठी उड़द आपको लेनी है। जो भी व्यक्ति ज्यादा परेशान हो रहा है और जिसे ये डाउट है कि नहीं शनि की पनौती मुझे घेर रही है, ये सब कुछ मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि शनि वक्री है, तो आप या तो अपनी 1 मुट्ठी भर करके उड़द ले या फिर गिन करके 8 दाने उड़द के ले लें। 8 दाने देख ले आप अच्छे हो, यदि आप 8 दाने ही गिन करके ले रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप एक काले रंग का कपड़ा लें और उसके अंदर उड़द के दाने रख दें। रख करके उस उड़द के दाने को अपने सिर से पैर तक पूरे ऐसे घिसते हुए 8 बार उबारें, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए उबार करके आप उसको अपने तकिए के नीचे रख दें, बराबर। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाए, पूजा पाठ कर ले शांति से, उसके बाद आप उड़द के दानों को निकालें और आपके घर की जो पश्चिम दिशा है उस दिशा में आप उसको रखें, उसके ऊपर सरसों का तेल डालें और जला दें, बराबर। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, ये काम करने में तकलीफ हो रही है, तो आप इन उड़द के दानों को लेकर के जाएं और जहां पीपल का पेड़ है वहां आप इसको रखें, लेकिन रखे नहीं, थोड़ा सा गड्ढा करें और उसमें दबा ही दे ताकि वो दाने यहाँ वहां ना हो, उड़द के सॉरी पीपल के पेड़ के नीचे लगे लगे वो फूट करके उग जाए, या तो आप इस उपाय को करें। सबसे बेहतर रहेगा कि आप उसको जला दें अगर पॉसिबल हो तो, और ये क्रिया आपको शनिवार सुबह करनी है। आप कुछ ही शनिवार इस उपाय को करके देखें दोस्तों, शनि की कैसी भी पनौती होगी आपके ऊपर से उतरने लग जाएगी। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य ही बताएं। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।